नमस्कार। थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग सोनू निगम का चार्ट लेने वाले हैं। तो सोनू निगम के चार्ट के ऊपर मैंने बहुत एनालिसिस किया, देखा कि उनके लाइफ में क्या कुछ रहा, और उसके बेसिस पे फिर मुझे समझ में आया कि कौन सा इनका जो टाइम ऑफ बर्थ है वो सही रहा होगा। तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एनालिसिस किया। पहले मैं आपको मेरा जो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का जो रिसर्च रहा वो आपके साथ शेयर करूंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि क्यों मुझे लगता है कि ये जो चार्ट है वो सही होना चाहिए। तो जो डिटेल मुझे मिला था दैट इज़ 30th of July 1973, और टाइम ऑफ बर्थ एज सच पता तो नहीं था, लेकिन उसके बाद रिजल्ट्स को थोड़ा पीछे करके देखा, टाइम ऑफ बर्थ को थोड़ा चेंज करके देखा, और उसके बाद जो मुझे सही टाइम ऑफ बर्थ जो लगा वो 1:30 बजे के आसपास का था। अब पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन 1:40 के आसपास का जो टाइम था वो काफ़ी इनके साथ सही बैठ रहा था। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा मुझे लगा और उसका क्या कारण था। तो सबसे पहले जब हम लोग इनके दशा में चले जाते हैं तो एक चीज़ है जो आप इनका देखिएगा कि 92 के बाद से इनका जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ था। इनको बहुत सारे सिंगिंग अपॉर्चुनिटीज़ इसी के बाद मिले थे, फिर सारे काम आप पा में होस्ट बने थे, दैट इज़ इन 95-96। तो वो एक काफ़ी बड़ा एक अचीवमेंट था इनके लिए। उसके बाद से आगे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिले, बॉर्डर में गाया और बाकी सारे फिल्मों में गाया। तो वो सब अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो वो सीक्वेंस जो शुरू होता है वो यहाँ 92 से ही शुरू होता है, और कोइंसिडेंटली यहाँ पे 92 के बाद से इनको शुक्र की महादशा शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक कोइंसिडेंस देखिए, शुक्र यहाँ पे अष्टमेश है, और अष्टमेश बन करके ये एकादश भाव में बैठ गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि शुक्र जब भी आपका अष्टमेश बन करके एकादश भाव में बैठता है, शुक्र ऐसे तो एकादश भाव में इंसान को बहुत ज़्यादा स्टाइलिश बना देता है। कोई भी चीज़ हो उसमें आपका स्टाइल स्टेटमेंट ऐसा होगा कि इट विल बिकम अ ब्रांड। भले ही आप नरेंद्र मोदी का देख लो, फिर आप MS धोनी को देख लो, या फिर आप ऋतिक रोशन को देख लो, तो उनका एक अलग ही ब्रांड रहता है जब आपका शुक्र एकादश भाव में हो, और लोगों के पास एक स्पेशल क्वालिटी होती है। तो यहाँ से फिर मुझे लगा कि इनका शुक्र एकादश भाव में होना ही चाहिए, और उसके साथ साथ लकीली इनको उसी वक्त शुक्र की महादशा भी शुरू हो गई। इसके साथ एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी। जब ये 4 साल के आसपास के थे तब इनको फर्स्ट सिंगिंग अपॉर्चुनिटी मिला। अब यहाँ पे देखिए 73 में इनका जन्म हुआ, और 77 के आसपास इनको राहु शुरू हो गया था। अब दिस इज़ अ मैटर ऑफ लक आप कहिए, या फिर कोइंसिडेंस था कि राहु जब भी आपके दशा में आता है तो आपको एक नया अपॉर्चुनिटी देता है। और यहाँ पे भी वही देखिए कि राहु जैसे इनका आया इनको एक नई अपॉर्चुनिटी मिले, और उसके साथ साथ इन्होंने उसको कैपिटलाइज किया, और उसके बाद ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ। तो यहाँ से पहले चार्ट के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं दशा पे भी आऊँगा और बाकी सारे जो इनके लाइफ इवेंट्स हैं उनको भी मैं कवर करूँगा एक एक करके। तो यहाँ पे सबसे पहले जब हम लोग चार्ट में आते हैं तो चार्ट में आप देखिए, एक तो मैंने बताया कि वीनस यहाँ पे 11th हाउस में, इट मेक्स यू पर्सन एक्सट्रीमली स्टाइलिश, और उसके बाद ये कि आपका अगर मार्स 7th हाउस में है अपने ही घर में, और उसको यहाँ पे आपके कर्म भाव है उसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो इन अ वे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहोगे, हमेशा चीज़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा कमिटेड रहोगे, वो एस्पेक्ट है। और उसके साथ जो आपका एनर्जी लेवल है वो बाकी लोगों को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करेगा, तो ये एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट होता है मार्स का इन दी 7th हाउस। उसके साथ साथ एक और चीज़, जब ये बात करते हो तो आपको एक और फीलिंग आता होगा कि देर इज़ अ लेवल ऑफ कामनेस, तो बहुत कामनेस के साथ ये बात करते हैं। वो होता है चंद्रमा अगर कर्क राशि में हो। कर्क राशि का एक नेचुरल सिग्निफिकेंस ये होता है कि वो इंसान को बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का बना देता है। कर्क राशि का एक नेचुरल एक टेंडेंसी है, सो विच इज़ अ गुड थिंग, और वो चीज़ यहाँ पे आपको इनके एनालिसिस या फिर पर्सनालिटी में भी दिखाई देता है। एक और चीज़ अगर आप देखो तो ये इम्प्रोवाइज़ करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। इम्प्रोवाइज़ इन द सेंस कि अगर किसी और सिंगर की अगर मिमिक्री करनी हो, जैसे 30 मार खान का गाना था तो उस वहाँ पर उन्होंने गाया था वंस अपॉन अ टाइम इन ला ला लैंड, सुनो सुनो हम है 30 मार खान, तो वो जो इम्प्रोवाइज़ करने का जो इनका टैलेंट होता है दैट कम्स फ्रॉम दी 8th हाउस। 8th हाउस अगर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो तब इंसान बहुत अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर लेता है, और मिमिक्री या फिर आप कहिए कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, और वो यहाँ पे शुक्र यहाँ इनके लिए कर रहा है, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग।
तो यहाँ तक मुझे पर्सनालिटी काफ़ी हद तक मैच होते हुए दिखी, और उसके साथ साथ ये अगर आपका राहु थर्ड हाउस में होता है तो आप एफर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डालते हो चीज़ों को ठीक करने में, चीज़ों को अच्छा अचीव करने में, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। एक यहाँ पे जुपिटर नीच का हो जाता है, जो कि इंसान को थोड़ा मेंटल बैलेंस या फिर एक अच्छा माइंडसेट क्रिएट करने में थोड़ा प्रॉब्लम देता है जुपिटर अगर यहाँ पे नीच का है। बट इन एनी केस यहाँ पे अगर आप देखें तो गजकेसरी योग मिल रहा है, ये जुपिटर भी सूर्य और चंद्रमा दोनों को बल दे रहा है, विच ऑल्सो सजेस्ट कि जिस तरह का इनका काम होगा उसके कारण ये नाम काफ़ी ज़्यादा करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड थिंग। ही विल बी एक्सट्रीमली लकी, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक बहुत अच्छा राजयोग भी बना जो कि काफ़ी ज़्यादा इंसान को टैलेंटेड भी बनाता है। सो यहाँ पे एक देखिए कि चार्ट ऐसा बना है कि विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल हिज हार्ड वर्क, इनकी जो एनर्जी लेवल है वो, उसके साथ साथ जो इनका कामनेस है वो, और जो इम्प्रोवाइज़ करने का जो टेंडेंसी है वो, और ये टेंडेंसी कि कभी कुछ भी हो जाए मैं हमेशा कमिटेड रहूँगा, हमेशा काम करते रहूँगा, हमेशा कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहूँगा, दीज वेर द रीज़न कि इस कारण से ये इतना आगे बढ़ पाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग इनके दशा के हिसाब से देखें कि लाइफ के इवेंट्स क्या रहे, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 1992 से इनके लिए लाइफ का एक बहुत ही अच्छा फेज शुरू हुआ, और 1992 से बहुत सारे जो मूवीज़ हैं इन्होंने उसमें अपना अपने अपनी वॉइस दी, अपने सॉन्ग्स पे अपना वॉइस दिया, जैसे कसम तेरी कसम, या फिर चीता, या फिर हलचल, फिर उसके बाद राम जाने, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, जो कि काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। अच्छा, ये एक फेज़ होता है वीनस में सन, वीनस वीनस तो ठीक है आपको काम वाम दे देता है, लेकिन वीनस में सन आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी दे देता है अगर आपका सन अच्छे से प्लेस्ड हो, ये एक चीज़ मैंने देखा, तो ये भी इनके साथ वहीं पे वैसा हुआ। फिर मून और मार्स, ये भी अच्छा ही फेज़ होता है, ठीक ठाक फेज़ होता है, लेकिन जो नेक्स्ट बेस्ट फेज़ होता है दैट इज़ वीनस राहु, ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस आपको दे देता है, काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको दे देता है, और आपको जो गाने का मौका है वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है। सो इन अ वे अगर आप देखें कि इनका जो मेन ग्रोथ शुरू हुआ था दैट वाज आफ्टर 99 एंड 2000, और 2000 से अगर आप देखें तो फिर कभी खुशी कभी गम, वहाँ पे यू आर माई सोनिया, फिर फिज़ा, उसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे गाने गाए, फिर दिल चाहता है, फिर साथिया मूवी में साथिया का जो टाइटल ट्रैक था वो इन्होंने गाया, फिर कल हो ना हो विच वॉज द मोस्ट आइकॉनिक एंड इट हैपेंड इन समवेयर 2003, तो वो भी इसके बाद ही आया। तो यहाँ से जो मैंने देखा है कि लोगों के लिए वीनस राहु वाला फेज़ है वो एक लाइफ चेंजिंग फेज़ होता है, काफ़ी सारी चीज़ें इनकी लाइफ में चेंज होती है और काफ़ी सारे अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं इनके लाइफ में। इन केस अगर जो पूरा चार्ट है वो ये दिखा रहा है कि लाइफ में कुछ अच्छा अचीव करेंगे, ये है। उसके बाद जो जुपिटर वाला फेज़ था यहाँ पे जाकर के इनके शादी हुई, यहाँ तक जाकर के इन्होंने काफ़ी अच्छा नाम कमा लिया था, और सोनू निगम इटसेल्फ बिकेम अ बिग ब्रांड। वो फिर वहाँ पे आप ये वाला फेज़ अगर देखोगे तो वीर ज़ारा में इन्होंने गाना गाया, मैं हूँ ना वहाँ पे गाना गाया, और बहुत सारे जो हिट गाने थे तो एक के बाद एक वो यहाँ पे गाते जा रहे थे। इन अ वे आप कह सकते हो कि ये इनके लाइफ का एक पीक टाइम था जहाँ पे अच्छे अच्छे गाने इनको मिलने जा रहे थे, और उसके साथ साथ इनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी हाई था, और आई थिंक ही वॉज़ द बेस्ट सिंगर अराउंड दैट टाइम जो आपको अवेलेबल हो और जिसके साथ आप काम कर सकते हो। तो ये, और ये वीनस की दशा इनके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही, काफ़ी पॉपुलैरिटी इनको मिली, काफ़ी फेम इनको मिला, सब कुछ अच्छा रहा। यहाँ तक आते आते फिर अगर आपको याद है तो कुर्बान वो मूवी आया, तो कुर्बान हुआ वो, उसमें काफ़ी अच्छा गाना गाया इन्होंने। फिर इसके बाद आते आते थ्री इडियट्स वॉज अ वेरी ह्यूज हिट, थ्री इडियट्स में भी ऑल इज़ वेल वो जो कि 2009 के आसपास आया था, अगेन इन द सेम टाइम करी। फिर यहाँ पे केतु, केतु वाला फेस, और जैसे ही सन शुरू होता है तो सन में फिर ऐसे सेट कि सन ऐसा करता है कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म सेट करता है कि आप फिर से शाइन करो, फिर से आप कोई ऐसा काम करो जिसके कारण आपका जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े। तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो अग्निपथ मूवी का जो वो गाना था अभी मुझ में कहीं, तो वो भी इसी टाइम के आसपास ही रिलीज़ हुआ। सो इन अ वे आप देखोगे तो सारे इवेंट्स जो है वो मैचअप करते जा रहे हैं इनकी लाइफ के साथ, और आई बिलीव कि यहाँ पे जाकर के फिर इनको कोई
नेशनल अवार्ड या बाकी सारे जो अचीवमेंट्स है वो भी ये सूर्य के महादशा में हुए होंगे। और इसके बाद का अगर फेस देखें तो इंटरमिटेंटली ये अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे थे, अच्छा इनका सब कुछ चल रहा था, तो ये है। और 2022 में जा कर के अराउंड इन जुपिटर और सैटर्न वाले फेस में इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, सो विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। यहाँ पे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो वीनस यहाँ पे देखिए 8, 10, 8, 11 and 11, सो विच इज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूज सक्सेस। सन का भी अगर आप कोऑर्डिनेट्स देखें तो 5, 8 विच शोज इम्प्रोवाइजेशन, और उसके साथ साथ इम्प्रोवाइजेशन के साथ सक्सेस वो हुआ। फिर उसके बाद मून के कोऑर्डिनेट्स ठीक ठाक ही है। मार्स इज़ वेरी गुड। मार्स में यहाँ पे आप देखोगे कि 2028 से फिर ये एक्टिव हो जाएंगे, फिर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। और मेन इनका राहु है, राहु इज़ एक्सट्रीमली पॉजिटिव। यहाँ पे राहु प्लैनेट लेवल पे इज़ वेरी पॉजिटिव, उसके बाद फिर 8, 10, 8, 10, 8, 12 भी है जो कि थोड़ा नेगेटिव हो जाता है, बट एट द सेम टाइम दिस इज़ क्वाइट गुड, जो कि दिखा रहा है कि द पर्सन इज़ एक्सट्रीमली टैलेंटेड। और उसके साथ साथ जब बाकी ग्रहों का भी देखें तो विच शोज दैट द पर्सन इज़ अ वेरी वेल बैलेंस्ड पर्सनैलिटी, और उसके साथ साथ जो कॉन्ट्रोवर्सीज़ है वो बहुत कम है इनके लाइफ में सच। सो ओवरऑल ये था एनालिसिस इनके चार्ट का, और इस तरह से मैंने बर्थ टाइम रेक्टिफाई करके इनका जो सही टाइम ऑफ बर्थ है वो निकाला और आपके सामने मेरा जो एनालिसिस है उसको प्रेजेंट किया। सो होप यू लाइक द वीडियो। See you in the next video. Thanks for watching. Bye.